दुआ इबादत का मखज है, दुआ में इंतहाई आजजी होती है, इसी वजह से कोई दुआ ज़ाया नहीं होती। अगर फौरन कबूल ना हो तो या कोई मुसीबत टल जाती है या दुआ आखिरत के लिए जखीरा बन जाती है। मौजज़े होते हैं, खामोश ख्वाब सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। ये सब वही है जो नमाज और दुआ से होता है। अल्लाह जब तौफीक के दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के मौत से खुद ब खुद ही होने लगते हैं। मौजों की राह तो अल्लाह आखिरी सांस तक खुली रखता है, तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस तुम हो। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। दुआ एतिमाद है, दुआ यकीन है, दुआ उम्मीद है, दुआ भरोसा है, दुआ गुफ्तगू है, दुआ पाकीजगी है, दुआ वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ मोहब्बत है, दुआ राज है, दुआ हमदर्द है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। तुम्हारी दुआएं तुम्हारी जुबान से अदा होने से पहले ही कबूल हो जाती है, बस उनके मिलने का वक्त तुम्हारे मांगे हुए वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मराहिल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे हुए दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती, फिर वो शे भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है जब आपका इखलास, आपकी नियत, आपकी कारकर्दगी और इस्तराब एक फ्रिक्वेंसी पर जमा हो जाए तो दुआ की कबूलियत यकीनी है। तकदीर इलाही को दुआ बदल देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर इलाही को कोई चीज़ नहीं बदलती मगर दुआ, और उमर को कोई चीज़ नहीं पढ़ाती मगर नेकी, और इंसान को रोजी से महरूम नहीं किया जाता मगर उस गुनाह की वजह से जिसका उसने इर्तिकाब किया। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। मांगने का हक उसने तुम्हें दिया है, जब उसने सूरह इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं। अल्लाह ने मुकद्दर लिखने का अख्तियार तुम्हें दिया है कि चाहो तो दुआ का तसलसल बढ़ा लो और चाहो तो मायूस बैठ जाओ, चाहो तो सजदों को तवील कर लो और चाहो तो थक कर रुक जाओ। मत भूलो कि तुम्हारा काम सिर्फ इल्तिजा करना है, तदबीरें तो वो खुद निकालता है। तो फिर इस वसवसे में मत उलझो कि तुम्हारे नसीब में तुम्हारी चाहत नहीं। ये भी तो मुमकिन है कि अल्लाह ने उस चाहत का खाना तुम्हारी दुआ के लिए खाली छोड़ रखा हो। अल्लाह जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र, जरा इंतजार करो। दुआ ही तो है जिसने आग को ठंडा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, और दुआ ही तो है
जिसने समंदर के बीच रास्ता बनाया मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। नसीब से ज्यादा कीमती चीज दुआ होती है, क्योंकि जिंदगी में जब कुछ बिगड़ जाए तो इंसान के पास सिर्फ दुआ ही एक ऐसी चीज बचती है जो नसीब बदल देती है।